कब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा तेरे बिना हुन नहीं जी लगना वे ओ सोने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ये भी ठीक है। और हमें मुझे पता है कि आप सब आयरा से मिलने को इंतहाई बेचैन हैं, इतने मुझे मैसेज मिल रहे हैं लोगों के कि आयरा से मिलना चाहते हैं मिलना चाहते हैं। तो क्या हाल, मिलवा दें? मिलवा दें मिलवा दें, लेकिन अभी मुझे लग रही है भूख। पहले मुझे लगता है हम कुछ खा पी लें फिर बाद में देखते हैं, मतलब ऐसे वरना ना स्टार्ट में वीडियो देख के लोग बाद में चले जाते हैं। पूरी वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें जरा जाके फौरन। तो अभी हम केक लेने जा रहे हैं जो कि आयरा की सालगिरह तो नहीं माहगिरह के लिए हमने करवाया हुआ है। बहुत खूबसूरत सा केक है तो वो हम लेने जा रहे हैं क्योंकि दुकानें भी ज़रा जल्दी बंद हो जानी है, तो उससे पहले पहले हम ले आए तो अच्छी बात है। गर्मी बहुत है ना, तो पहले तो अपने पीने के लिए कुछ लें। आपका केक। तो आयरा के साथ जो हमारी जर्नी है उसको एक महीना हो गया, टाइम का एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ना। टाइम का पता चला कुछ? नहीं, बहुत जल्दी गुजर गया एक महीना। हाँ, एक महीने का कोई पता नहीं चला। तो इस जर्नी में हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ फुटेज और कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं आयरा की जो पैदाइश के टाइम हमने ली थी। हाँ, एक बात है कि जब भी आपने आयरा की तस्वीर देखनी है तो साथ माशाल्लाह जरूर कहना है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। तो किस्सा कुछ यूँ है कि बाकी सारे घर वाले हमारे साथ नहीं हैं, सारे एक्चुअली कैबिन टूर पे गए हुए हैं ज़रा आज यहाँ से ना तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइव पे। बर्गेन वाले भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ वाले सारे उधर पहुँचे हुए हैं। हमें भी ऑफर थी लेकिन हम आयरा की वजह से नहीं गए क्योंकि अभी बहुत छोटी है, तो ज़रा सफ़र और फिर वहाँ जाके भी थोड़ा शायद तंग ना हो, तो हम इधर अकेले हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आप कैबिन टूर पे नहीं जा सके? अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा भी? अच्छा कैसे फिर? अच्छा इसलिए कि चलो ठीक है, इसके साथ कंफर्टेबल आप घर पे आराम से, वरना उधर फिर सब बाकी भी तंग होते हैं, या वैसे तो सारे प्यार करते हैं लेकिन ज़्यादा छोटा बच्चा, फिर ये भी नहीं पता होना था कि सफ़र में थक जाती ज़्यादा, फिर समझ नहीं आनी थी पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो बुरा इसलिए कि ज़ाहिर है सारे इकट्ठे में हमें मज़ा आना था, मौसम इतना अच्छा और जगह भी इतनी प्यारी लग रही है। पिछले साल भी हम लोग पता गए थे सारे, इतना मज़ा आया था। पिछले साल हम जुलाई में गए थे। जुलाई में गए थे। तो आयरा को एक्चुअली दूसरी बार हम घर से बाहर लेके निकले हैं जब से वो पैदा हुई हैं। पहले 17 मई को जब नॉर्वे का नेशनल डे था तब हम निकले थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाहर बैठे थे, फिर अंदर चले गए थे
और अब हम निकले हैं लेके आयरा को। मौसम दोनों दफा बहुत अच्छा था, उस दिन भी धूप निकली हुई थी, आज भी धूप है। आज जरा हवा थोड़ी ज्यादा है, उस दिन हवा कम थी, लेकिन अब थोड़ी हाँ उस 17 मई के बाद से बारिशें स्टार्ट रही हैं और अभी तक कल तक बारिश ही थी। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख चुका था तकरीबन कुछ 1-1.5 महीना पहले, और आप देखें माशाल्लाह जैसे लग रहा है ये चल रहा है। क्या चल रहा है जहाँ हम बैठे हुए मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो देखिए आपके पीछे कितने लोग आके बैठ रहे हैं आस्ता आस्ता, है ना। हालांकि अभी लोग बाहर गए हुए हैं कैबिन पे इस तरह, क्योंकि जरा लॉन्ग वीकेंड आ गया था ना, तो इसलिए लोगों को मौका मिल गया जरा घूमने फिरने का। लेकिन जो हमारी तरह नहीं जा सके वो इधर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इधर भी तो अच्छा है। बिल्कुल। तो वैसे अभी तक हमने जो आपको आयरा की पिक्चर्स दिखाई हैं और वीडियोस वगैरह, वो सारी पहले की थी, मतलब पैदाइश के कुछ दिनों के बाद की। तो 1 महीने बाद आयरा किस तरह लग रही है वो भी हम दिखाएंगे। अभी हमने घर जाके फोटो शूट भी करने की ट्राई करनी है, अगर आयरा का मूड हुआ तो, या मतलब वो जागी तो। नींद में भी कर ही सकते हैं मुझे लगता है। हाँ यार, हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है ना, तो हमें समझ नहीं आती कि कैसे करें। और फिर आपने हमको ये भी बताना है कि आयरा किस पे गई है, मतलब शक्ल मुझसे ज्यादा मिलती है या यस्मीन से? नहीं 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 नहीं, ये जरूरी है। रहने क्यों जी? नहीं नहीं बताएं जरा, क्योंकि सबके ख्याल में आयरा मुझ पे गई है इसलिए। तो वो तो मैंने खुद भी आपसे कहा था। आपकी फैमिली क्या कहती है? वो भी यही कहते हैं आप। तो एक्चुअली ज्यादा लोगों के ख्याल में आयरा मुझ पे गई है, कुछ 2-4 बंदे आपको नजर आ जाते हैं जो कहते हैं स्मीन पे गई है, लेकिन ज्यादा लोगों का ख्याल है कि मुझ पे अम्मी पे मतलब शक्ल मिलती है, और आप पीछे जो बैगन में रहती हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है कि बच्चे शक्ल बहुत चेंज करते हैं, अभी तो मतलब 1 महीने की है माशाल्लाह, और जब इंशाल्लाह और थोड़ी बड़ी होंगी, कितने 2-3-4-5 महीनों में शक्लें चेंज होती हैं बच्चों की थोड़ी थोड़ी, तो फिर पता चलता है। अभी हम आयरा को लेके जा रहे हैं घर वापस, हवा बहुत तेज़ हो गई है, तो मुझे मेरे ख्याल में अब गाड़ी चलना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने केक क्यों करवाया है जब हम घर में सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो एक्चुअली बात यह है कि आयशा और शुएब जो हैं वो भी नहीं गए हुए कहीं, तो वो उनको हमने इन्वाइट किया हुआ है, तो साथ में हम मज़े का डिनर करेंगे, केक काटेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हमारा हक भी इन्जॉय करना, सिर्फ उनका तो नहीं है ना जो चले गए हैं कैबिन पे हमें छोड़ के। एक दिन हमारी आयरा भी ऐसे खेल रही होगी ना, तो बताएं जरा कि आयरा के आने से आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं? सारी जिंदगी बदल गई। सारी जिंदगी बदल गई, बाकी बच्चों के आने से ये तो होता है। हाँ। सारी जिंदगी बदल जाती है, मतलब आपकी जिंदगी का महवर जो है वो सिर्फ बच्चा रह जाता है आपका, है ना। तो फिर ये होता है कि आप जो भी आपने सोचना है, कुछ भी करना है, तो हमेशा ये कि बेबी के लिए क्या होएगा उसको मद्देनजर रख के आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये केबिन टूर पे जाने का मसला था, तो मतलब ये आप ऐसे ही उठ के जा सकते थे हम भी लेकिन आपको भाई तू शोर कर ले। हाँ आपको हमेशा कंसीडर करना पड़ता है कि बेबी के लिए क्या बेहतर हो गया, जा सकता है बेबी या कुछ, मतलब सब कुछ। तो वैसे अभी तो समीन की हालत है कि सुबह से लेके रात, बल्कि 24 घंटे ही बस आयरा 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 हो रही है। मैं चलो फिर भी 8-10 घंटे काम पे गुजार के आ जाता हूँ, लेकिन बाकी हर टाइम आयरा ही आयरा होती है। तो जो सबसे खूबसूरत लम्हे मुझे लगते हैं वो तब है कि जब ना मैं उसको सीने से लगाता हूँ ऐसे साथ लगा के ना, तो ये सो जाती है, या मतलब साथ लगी होती है ना आपके, वो बड़ा मज़ा आता है मुझे। आपको भी ऐसे फील होता है? मेरे तो मैं जब हाथ पकड़ती हूँ पकड़ लेती है जोर से। हाँ, क्योंकि अभी 1 महीने की, तो अभी कुछ मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ता हुआ है कि उसने सही से थोड़ा पहचानना शुरू किया है। हाँ। या मतलब आवाज़ सुन के तो उधर देखने की कोशिश करती है या रिएक्ट करती है। पहले तो ज़ाहिर है बच्चा ज़्यादातर मदहोशी में रहता है। जैसे अब मुझे लगता है कि उसको पता चल जाता है मेरा, मैंने उठाया है या आपने उठाया है। हाँ, मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है शायद
चाहे आवाज से या किसी भी चीज से बच्चे पता नहीं कितना अंदाजा लगाते हैं। फिर जब देखती है गौर से बड़े फिर देखने की कोशिश करती है, पता नहीं उनका विजन कैसा होता है बच्चों का इस उम्र में, मतलब उनको कितना नजर आ रहा होता है। वो तो बड़ा फैसिनेटिंग है ये सारा, मतलब एक्सपीरियंस करना। लेकिन जी घर पहुँच के हम बेबी अपनी गुड़िया को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, केक भी ऊपर लेके जाते हैं और फिर कोशिश करेंगे अगर आयरा जागी तो हम कुछ तस्वीरें ले लें। हवा देखे कितनी तेज चल रही है आज, लगता है आयरा जाग रही है अभी आस्ता आस्ता। हाय 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 अंगड़ाइयाँ, कैसा है मेरा बेटा पाला पाला? ओ फिर नींद आ रही है बेटे को, फिर नींद आ रही है परी को, हमारी प्यारी सी परी को। मैडम उठ जाएं आप, जरा आपकी तस्वीरें खींचनी है हमने। ये पूरा सेटअप तैयार किया है यास्मीन ने, ये भी साथ रखे ना, ये दिलावा भी ने दिया था, एक महीना हो गया। देखें ये लोग भी पहुंच आए हैं हमारे आज के मेहमान। तो हमने क्योंकि अपने मेहमानों को भी इनवाइट किया हुआ है तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है, उनको भूखा तो नहीं रखना ना तो खाना भी आ गया और फोटोशूट भी मुकम्मल हो चुका है। आयरा जो लुक्स दे रही है ना कैमरे के लिए, वो बेचारी को अभी से ब्लॉग की आदत है। खाने के मेन्यू में है नान, लैम कढ़ाई, मलाई टिक्का बोटी, रोस्ट चावल और कोका कोला। प्यारे बच्चों आ जाओ, खाना लग गया है। तो खाना वगैरह हो गया, अब आयरा नींद से उठी हैं तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी केक काट लें, दोबारा उनकी वो नींद ना आ जाए। अभी मैं आपको केक दिखाता हूँ, बड़े मज़े का केक है। बच्चा जी आपका केक काटने लगे हम। ये माशाल्लाह माशाल्लाह केक है ना आपने भी। वो ये उसका अंदाज था ना। इतना सा काम था, मतलब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ना, मतलब अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो आराम से बैठ के केक काटेगी और इंजॉय करेगी लेकिन अभी हम केक खा रहे हैं और साथ मूवी देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, थोड़ा इंजॉय करेंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको आयरा से मिलके कैसा लगा और ये भी बताइएगा कि आयरा किस पे गई हैं, मुझ पे या यास्मीन पे या किसी और पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। शुएब आपको बताएगा कि आपको चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ शुएब बताओ ज़रा क्यों, क्योंकि भाई मंसूर बहुत मेहनत करते हैं। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहुत वेल डन बात ठीक है वैसे, चले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मैं लगाता होगी अगली वीडियो में अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। खुदा हाफ़िज़।